मेरे चैनल पे जो कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनका सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरी तरफ होता है कि अंकुर हम एक एडिशनल साइड इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और फॉर दैट मैटर हम कॉलेज में इनकम जनरेट करना चाहते हैं वो कैसे करें, या हम नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वी डोंट नो व्हाट टू डू। एंड आजकल की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, एक इनकम बनाना बहुत बहुत आसान बन चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब रातों रात अमीर बन जाएंगे, ना, लेकिन आप शुरुआत एक अलग ही दर्जे पे कर सकते हैं एज अगेंस्ट द प्रीवियस जनरेशंस। इस वीडियो में मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करते हैं 2024 में उसके बारे में बात करूंगा, 5 बिजनेस आइडिया शेयर करूंगा, इनमें से 4 बिजनेस आइडियाज में आपको कोई भी कोडिंग स्किल्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज जरूरत नहीं है। आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, कभी कोई भी लाइन ऑफ कोड ना लिखा हो, आप तब भी ये बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन 5 बिजनेसेस में मेहनत की बहुत जरूरत होगी, प्राइसिंग की बहुत नॉलेज आनी पड़ेगी, एंड बहुत सारा मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, जो आई एम श्योर आप लोग तैयार होंगे करने के लिए। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है होस्टिंगर ने, जिन्होंने हमारा काम इतना आसान कर दिया, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा डर यही था कि यार डिजिटल बिजनेस में एक वेबसाइट होनी तो जरूरी है, लेकिन वेबसाइट बनानी ही इतने लोगों के लिए इतनी मुश्किल है। मुझे याद है जब मैंने 2005 में अपनी वेबसाइट अंकुरवारिकू.com लॉन्च करी थी, मुझे कोडिंग सीखनी पड़ी थी, मुझे कम से कम 1.5 महीना तो वेबसाइट लगाने और शुरू करने में ही लग गया था। सर्वर खरीदना, फिर थीम को अपलोड करना, फिर उसको डिजाइन करना, फिर उसको SEO ऑप्टिमाइज करना, फिर उसको होस्ट करना, फिर उसके खर्चे बेयर करना। एंड आई वॉज लाइक यार, एक नॉर्मल इंसान, मैं थोड़ा सा अपने आप को टेकी समझता हूँ, हालांकि हूँ नहीं, एक नॉर्मल इंसान ये कैसे करेगा। एंड दिस इज वेयर होस्टिंगर हेल्प्ड अस। वो एक AI पावर्ड सोल्यूशन लेके आए हैं, जहां आप टाइप कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए, एंड एक जिनी जैसे वो वेबसाइट आपके सामने। कैसे काम करता है वो बताऊंगा, लेकिन पहले 5 आइडियाज में से पहला आइडिया, एन ई-कॉमर्स स्टोर, D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, हर तरफ छाया हुआ है, चाहे वो मामा अर्थ हो, चाहे वो लिशियस हो, चाहे वो बीको हो, चाहे वो कंट्री डिलाइट हो, शुगर कॉस्मेटिक्स हो, प्लम हो। D2C का मतलब ये होता है कि यार हम दुकानों के थ्रू नहीं भेजेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू नहीं भेजेंगे, हम डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएंगे। कंज्यूमर हमारी वेबसाइट पे आएगा, हमसे खरीदेगा, और हम उनको डायरेक्टली शिप करेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कमाएंगे। अब ये तो ई-कॉमर्स और डिजिटल वेव ही अकम्प्लिश कर सकती है। एंड इसके लिए आपको क्या चाहिए? 1, वो प्रोडक्ट कौन सा है जो आप बेचेंगे? वो बेल्ट्स हो सकती हैं, पेन्स हो सकते हैं, मार्कर्स हो सकते हैं, स्टेशनरी हो सकती है, बेसिक ज्वेलरी हो सकती है, मसाले हो सकते हैं। आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है, आप वो सोर्स करके एक मार्जिन डाल के उसको अच्छे से पैकेज करके एक कंज्यूमर को बेच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा D2C ब्रांड्स ऐसे ही लॉन्च हुए थे। अगर आप बोट को लेंगे या नमन गुप्ता की कहानी, तो अब हर तरफ फैली हुई है। बोट स्टार्टेड एज अ सोर्सिंग कंपनी और अब ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया बनते हैं, बट द शुरुआत वॉज कि हम कहीं से सोर्स करके उनपे बोट का एक मार्केटिंग लेबल लगा के उनको कंज्यूमर तक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुंचाएंगे। एंड जैसे जैसे ब्रांड बनता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अपने खुद की प्रोडक्शन शुरू करी, विच वॉज अ मच लेटर जर्नी एंड ऑफ कोर्स अ मच मोर सक्सेसफुल वन। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक ई-कॉमर्स वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट जो अच्छे से प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर पाए, उनके प्राइसेस को देख पाए, अलग अलग देशों में अलग अलग प्राइस दिखे, एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन हो, वो शिपिंग एड्रेस कलेक्ट कर सके, वो लोगों को बता पाए कि आपका पैकेज डिलीवर हो चुका है कि नहीं, निकल चुका है कि नहीं। ऑल ऑफ दैट इज समथिंग दैट यू विल नीड। अब होस्टिंगर इसको सॉल्व करता है। होस्टिंगर कुछ ही क्षण में इन 4 स्टेप्स AI के थ्रू आपकी वेबसाइट को सेटअप कर सकता है। वो किसी भी चीज को बेच रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यू कैन अपलोड इमेजेस, वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, ऑफ कोर्स प्राइसिंग, एंड गेट स्टार्टेड विद योर ई-कॉमर्स बिजनेस इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। दूसरा बिजनेस आइडिया,
ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इज अ फैसिनेटिंग थिंग अगर आपको लिखना पसंद है। एक्चुअली लिखना अगर नहीं भी पसंद है ना, मैं दिखाता हूँ कि ये बताता हूँ कि ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप किसी चीज के बारे में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, आर्टिकल्स क्रिएट करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। अब अगर आपको लिखना पसंद नहीं है या लिखना आपकी नेचुरल टैलेंट नहीं है, आप कंटेंट क्यूरेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि किसी और ने कोई कंटेंट लिखा हुआ है, आप कहीं से कुछ जोड़ के फिर उसके ऊपर अपना एक राइटिंग स्टाइल ऐड कर सकते हैं। चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं टू हेल्प यू समराइज दिस थिंग। ये कॉपिंग नहीं होगा, क्यूरेशन होगा, जिससे आप बाकी सोर्सेस का कंटेंट क्यूरेट करके उसको एक अपना फील या लुक दे रहे हैं। अब ब्लॉगिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप किस टॉपिक पे ब्लॉग करते हैं। अगर आप हर एक टॉपिक पे ब्लॉग करेंगे तो आप किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों को हर एक टॉपिक नहीं चाहिए, उनको एक फोकस्ड जर्नी चाहिए ऑन समथिंग दे केयर अबाउट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको फोटोग्राफी पसंद है एंड आप लेंजेस के बारे में ब्लॉग करते हैं कि डिफरेंट कैमरा लेंजेस कैसे होते हैं, या वो भी छोड़िए, आपको फोटोग्राफी पसंद है लेकिन आप ये समझते हैं कि DSLR जो है ना बड़ी बल्किंग सी चीज़ है, कहाँ निकाल के फिर उसमें कैमरा वैमरा घुमा के ये सब करना है। आजकल के मोबाइल फ़ोन ही इतने बढ़िया हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन्स के कैमरास के बारे में ब्लॉग करते हैं। या आपको वाटर कलर पेंटिंग पसंद है तो आप वाटर कलर पेंटिंग के बारे में ब्लॉग करते हैं कि इस पेंटिंग को कैसे बनाएंगे, डिफरेंट टेक्निक्स अराउंड दैट। या आप एक नए पेरेंट हैं एंड आपको पेरेंटिंग के बारे में ब्लॉगिंग करनी है, या आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आप फिटनेस के बारे में ब्लॉगिंग करेंगे, या आप एक डाइटिशियन है तो आप उसके बारे में बात करेंगे, या आपको फुटबॉल बहुत पसंद है तो आप उसके बारे में ब्लॉग करेंगे, आपको स्नीकर्स पसंद है आप उसके बारे में ब्लॉग करेंगे, आपको टेक्नोलॉजी पसंद है आप उसके बारे में ब्लॉग करेंगे, आपको मूवीज पसंद है आप उसके बारे में ब्लॉग करेंगे। वॉट एवर द टॉपिक, ब्लॉगिंग इज योर वे टू एक्सप्रेस एंड फॉर द वर्ल्ड टू एक्नॉलेज। अब ये पैसे कैसे कमाएगा? ये पैसे कमाता है दो तीन तरीके से। नंबर एक, एडवर्टाइजिंग, सिंपल एंड बेसिक तरीका। आपकी वेबसाइट पे क्योंकि एक टॉपिक इतने अच्छे से लिखा गया है, इतने अच्छे से उसकी ऑडियंस है कि गूगल पे जो कोई भी उस टॉपिक के एड्स होंगे वो आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएंगे एंड पीपल विल क्लिक ऑन इट, आपको उसका पैसा मिलेगा। दैट्स ऑसम। नंबर टू इज एफिलिएट। एफिलिएट में क्या होगा कि आप ब्लॉग कर रहे हैं, लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे एंड आप कुछ प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक्स उसमें ऐड करेंगे। तो आप बोलेंगे कि यार आप इस लेंस को खरीदने के लिए यहाँ जा सकते हैं, फर्ज करिए अमेजोन, या इस मूवी को देखने के लिए आप वहाँ से टिकट खरीद सकते हैं, फर्ज करिए बुक माई शो, कुछ भी और। एंड इन सब के साथ आपके एक रिलेशनशिप है जहाँ अगर कोई क्लिक करके कोई परचेज करता है, यू एक्चुअली गेट एन इनकम। ये थर्ड बिजनेस आइडिया भी है सेपरेटली, बट इस पर भी बात करेंगे। एंड थर्ड विच कुड बी अ रियली बिग वन इज ब्रांड कोलैबोरेशंस। जैसे कि होस्टिंगर इस वीडियो का स्पॉन्सर है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बना है जो ऑनलाइन अपना बिजनेस 2024 में शुरू करना चाहते हैं। होस्टिंगर राइट इन द सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव है। उनकी AI पावर्ड वेबसाइट 4 स्टेप्स के अंदर ओनली 149 रुपीज पर मंथ में आपको डोमेन नेम, वेबसाइट, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, हाई स्पीड सब कुछ दे सकती है एंड यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो होस्टिंगर को पता है कि ये वीडियो उनकी रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचेगा एंड दैट्स व्हाई दे आर विलिंग टू कोलैबोरेट विद ब्रांड वारिकू चैनल टू मेक दिस रीच हैपन। सेम वे आप जो भी टॉपिक रिप्रेजेंट करते हैं, एडवर्टाइजर को पता है कि वो टॉपिक राइट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है और उस ऑडियंस तक पहुंचने के लिए वो आपको कोलैबोरेशन पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो ब्लॉगिंग इज अ वंडरफुल वे फॉर यू टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस 2024 में। नंबर तीन, एंड इसका जिक्र मैंने ब्लॉगिंग में किया था, विच इज अफिलियट मार्केटिंग। अफिलियट मार्केटिंग बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। मैंने पिछले 3 साल से हमारे बिजनेस का इनकम वीडियो बनाया है, साल में हमने कितने पैसे कमाए, एंड उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो हमने हमेशा एफिलिएट इनकम को एक अलग से लाइन आइटम दिया है। वी अर्न एनीवेयर बिटवीन 40 से 60 लाख रुपए एवरी ईयर थ्रू एफिलिएट इनकम। एफिलिएट इनकम क्या होती है? जहां आप किसी दूसरे ब्रांड का लिंक शेयर करते हैं एंड लोग अगर उस लिंक पे क्लिक करते हैं
कोई भी परचेस करते हैं तो आपको उसका एक परसेंटेज रेवेन्यू मिलता है। अगर आपकी अपनी एक वेबसाइट है, अगर आपका अपना एक न्यूज़लेटर है, अगर आपका अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन है एंड उसमें आपने एक बहुत बढ़िया ऑडियंस इकट्ठी करनी है, तो फर्ज करिए आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं एंड ब्लॉगिंग में आपने फोटोग्राफी नर्ड्स इकट्ठे कर लिया है, या स्नीकर हेड्स इकट्ठे कर लिया है, या फुटबॉल गीक्स इकट्ठे कर लिया है, जो भी कोई हो, एंड यू देन से ये स्नीकर आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं, ये लेंस आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं, ये फुटबॉल की जर्सी आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं, लोग क्लिक करके खरीदेंगे, आपको एक रेवेन्यू शेयर मिलेगा, दैट इज एफिलिएट इनकम। नाउ उसके लिए एक डेस्टिनेशन चाहिए जहां आपके सारे लिंक्स मौजूद हो, एंड दैट इज अ वेबसाइट। तो आप एक वेबसाइट बनाएंगे which will have all these links available at all points of time. बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस बन चुके हैं इन दिस कैटेगरी। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट इज cashkaro.com. cashkaro.com पे अगर आप जाएंगे तो आपको लिटरली हर एक वेबसाइट इन इंडिया पे कोई ना कोई डिस्काउंट या डील मिलेगी। हाउ डू दे वर्क? दे वर्क क्योंकि वो डील और डिस्काउंट पे वो ब्रांड देता ही है, लेकिन जब कोई क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाके कुछ खरीदता है तो कैश करो को एक एफिलिएट इनकम भी प्रोवाइड होती है। कैश करो इज जस्ट वन ऑफ द मेनी एग्जांपल्स। मैंने सिर्फ एक चुना क्योंकि मैं उनके फाउंडर्स को जानता हूं, रोहन एंड स्वाति, एंड दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। करीब 4,000 करोड़ की वो कंपनी बन चुकी है एंड दिस जर्नी इज जस्ट सो इंस्पायरिंग। उसके लिए एक वेबसाइट चाहिए। इमेजिन आप एक ऐसी वेबसाइट खोलते हैं जहां डील्स एंड डिस्काउंट्स होते हैं। यू लाइक आप किसी भी चीज पे डील एंड डिस्काउंट ला सकते हैं। आप Amazon पे पा सकते हैं, आप Licious पे पा सकते हैं, आप Zomato Swiggy पे पा सकते हैं, आप Amazon पे पा सकते हैं, आप Mama Earth पे पा सकते हैं, wherever you want, and ये रहे सारे links. That's the affiliate marketing business model, जो कि 2024 में available है। बहुत बड़ी opportunity है, and उसके लिए जो website है वो आपकी सिर्फ 4 step में AI के through Hostinger instantly provide कर सकता है for only 149 rupees, 150 rupees महीना। Business idea number 4, online courses या e-books। अगर आपको पढ़ाना पसंद है, अगर आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो दूसरे लोग बेनिफिट कर सकते हैं, then I would highly 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 recommend कि आप अपने courses लॉन्च करें या अपने e-books लॉन्च करें। हमने अपने कोर्सेज का बिजनेस लॉन्च किया है webveda.com एंड इट मेड मनी, करोड़ ऑफ मनी। अगेन वो इनकम वीडियोस पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे कोर्सेज के बिजनेस से हमारा कैसा पैसा बनता है। लास्ट ईयर हमने करीब 14 करोड़ रुपए के कोर्सेज बेचे हैं एंड ऑल ऑफ दैट थ्रू वन डेस्टिनेशन विच इज अ वेबसाइट, Hostinger। वही वेबसाइट आपके लिए चुटकियों में बना के दे सकता है सिर्फ 150 रुपए महीने में एंड यू कैन गेट स्टार्टेड ऑन योर कोर्सेज बिजनेस। अगर आपको कोर्स नहीं रखते क्योंकि आपको लगे यार मुझे ना वीडियो पे नहीं पढ़ाना अच्छा लगता, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ या कुछ भी और हो, आप अपने ई बुक्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो भी पता है, जो भी आपकी नॉलेज है, उसको एक ई बुक एक पीडीएफ फॉर्मेट में बनाइए एंड सेल इट for like 29 rupees, 49 rupees, 99 rupees, 199 rupees, dirt cheap. अगर pirate भी हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना छोटा पैसा है कि लोग उसको सस्ते में लेते हुए भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करेंगे and you will still be able to ride on the trust that people have on you. तो ebooks हो, courses हो, इन सब के लिए एक website जरूरी है। वो website आपके लिए Hostinger.com and it is ready in just 4 simple steps. Finally, business idea number 5. जैसे कि मैंने बताया था कि इनमें से एक आइडिया है जिसमें आपको कोडिंग की जरूरत होगी, और अगर है तो बहुत बढ़िया है, and that idea is software as a service, यानी कि SaaS model. Software as a service क्या होता है? बहुत सारी चीजों के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, छोटी सी लेके बड़ी सी बड़ी चीज। तो Zoom अगर आप देखेंगे तो वो एक सॉफ्टवेयर है, Excel अगर आप देखेंगे तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, अगर आप iOS या Android देखेंगे वो भी सॉफ्टवेयर। लेकिन ये तो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे भी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर आपके पास एक स्क्रीन टाइम मेजर करने का सॉफ्टवेयर है वो भी एक सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अलार्म बजा के उठा देता है वो भी सॉफ्टवेयर, एक चीज़ है जो आपको ये रिमाइंड कराती है कि पानी पीने का वक्त आ गया वो भी सॉफ्टवेयर है, एक चीज है जो आपको बोलती है कि यार ये हैं भारत की पब्लिक हॉलीडेज वो भी सॉफ्टवेयर है,
एक चीज है जो आपको ये याद दिला देती है कि आपके दोस्तों का जन्मदिन कब है और उनको विश करो, वो भी सॉफ्टवेयर है। तो एज यू कैन सी, सॉफ्टवेयर एक छोटा सा छोटा और बड़े से बड़ा लेकर यूज केस संभाल सकता है। यूज केस मतलब कोई ऐसी चीज जो आप करवाना चाहते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। तो अगर आप एक कोडर हैं, आप ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, वेर यू चार्ज देम अ छोटा सा मंथली सब्सक्रिप्शन एंड सेल देम दैट सर्विस एवरी सिंगल मंथ। अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट इज एक ऐप जो मेरे दोस्त और मैंने बनाया था, कॉल्ड द काम स्लीप। काम स्लीप लोगों को अच्छे से सुलाने की कोशिश करता है एंड काफी मिलियन डाउनलोड्स आ गए थे इस ऐप के, इट्स डूइंग रियली वेल एंड ऑल ऑफ दैट। बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपने एक ऐप बनाया एंड उस ऐप को नाउ यू हैव टू होस्ट। एक और ऐप जैसे हमने बनाया है, इट्स कॉल्ड हेल्प क्लब। हेल्प क्लब क्या है? एक ऐसा ऐप है जो कि एनोनिमसली लोगों की हेल्प कर सकता है या आप एनोनिमसली हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि मदद मांगने में ना थोड़ा सा संकोच महसूस होता है यार, अपने नाम के साथ मदद मांगेंगे पता नहीं कैसा लगेगा, लोगों को पता चल जाएगा, वो जज करेंगे, या कभी कभी हेल्प करने में भी संकोच होता है यार, हम सच बोल देंगे तो किसी को ठेस पहुंचेगी, मैं सच बोलना चाहता हूं लेकिन अपना नाम अगर जोड़ दूंगा तो लोग मेरे पीछे भाग जाएंगे या मेरे पीछे ही आ जाएंगे। तो वी हैव मेड हेल्प इनटू अ सेफ स्पेस कि आप इस ऐप पे आके हेल्प मांग सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं एंड आपका नाम और आइडेंटिटी हमेशा गुप्त रखी जाएगी। अब इसके लिए भी एक वेबसाइट तो बनानी है, तो हेल्प क्लब की जो वेबसाइट है वैसे ही आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की भी वेबसाइट होगी एंड वो हॉस्टिंगर आपकी मदद कर सकता है टू गेट स्टार्टेड इन जस्ट 4 सिंपल स्टेप्स थ्रू द वेबसाइट बिल्डर स्टार्टिंग एट 149 रुपीज पर मंथ। तो ये थे 5 बिजनेस आइडियाज, लेकिन जाने से पहले ये जल्दी डिस्कस करते हैं कि एक वेबसाइट चूज करते हुए कौन कौन सी चीजें आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए। नंबर 1, डोमेन नेम। डोमेन नेम बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि डोमेन नेम ब्रांड फ्रेंडली भी होना चाहिए और SEO फ्रेंडली भी होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर्स उनको अच्छे से याद कर पाए और गूगल भी अच्छे से समझ पाए कि ये वेबसाइट किस बारे में है। अगर ankurbariku.com है तो गूगल को नहीं पता कि ये किस चीज के बारे में हो सकती है, लेकिन अगर coursesinenglish.com है तो गूगल को पता होगा कि ये कोर्सेज इन इंग्लिश की वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्सेज इन इंग्लिश बहुत बेकार डोमेन नेम है तो वो मत चूज करिएगा, बट आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। दूसरा, होस्टिंग प्रोवाइडर। होस्टिंग प्रोवाइडर मतलब जो ये डोमेन नेम होस्ट होगा और जहां वेबसाइट होस्ट होगी वो कौन है। इसके लिए मेन चीजें होती हैं कि आपकी वेबसाइट कभी डाउन ना हो, वो हमेशा फास्ट रहे, उसमें आपको अच्छे से सर्विस मिले और 24/7 सर्विस मिले कि कभी कोई हेल्प चाहिए हो, सपोर्ट चाहिए हो, ये सारी चीजें होस्टिंग प्रोवाइड करता है। तो वो जो 149 पर मंथ वाला प्लान है उसमें आपको फ्री डोमेन मिलता है, फ्री ईमेल मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, अनलिमिटेड फ्री SSL मतलब सिक्योरिटी मिलती है एंड अप टू 100 वेबसाइट्स आप बना सकते हैं ऑन दिस, विच इज ब्रिलियंट। ई कॉमर्स फीचर्स भी है, 0% ट्रांजैक्शन फीस है, तो अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो वो पेमेंट के लिए आपको चार्ज भी नहीं करेंगे। मार्केटिंग के इंटीग्रेशंस हैं, AI के फीचर्स हैं, तो आप बोलेंगे कि ये वेबसाइट मुझे चाहिए अबाउट स्नीकर्स, तो वो स्नीकर्स के बारे में कंटेंट ऑटोमेटिकली लिख देगा, आपको सिर्फ रिव्यू करना होगा। 150 टेम्पलेट्स हैं, तो आप जो भी टेम्पलेट चूज करना चाहें कि आपको प्रोफेशनल लुक चाहिए, फ्रेंडली लुक चाहिए, यंग लुक चाहिए, ऑल दैट इज अवेलेबल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर। कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप लिटरली जो चीजें चाहिए, ये बटन मुझे यहाँ चाहिए, ये पिक्चर मुझे यहाँ चाहिए, ये वीडियो मुझे यहाँ चाहिए, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जैसे कि कोई भी और सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं एंड योर वेबसाइट इज रेडी। नंबर 3, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस इन अ वेबसाइट इज क्रिटिकल नाउडेज। इसका मतलब क्या होता है? हर एक स्क्रीन का साइज जो है ना वो चेंज हो चुका है। लैपटॉप पे अलग स्क्रीन है, फोन्स में इतने सारे स्क्रीन साइजेस हैं तो वो अलग स्क्रीन है, एंड जब कभी भी कोई वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो आप चाहते हैं कि जो भी स्क्रीन साइज हो उसके अकॉर्डिंग जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्ड करे। तो छोटा स्क्रीन है तो वो छोटी हो जाएगी लेकिन तब भी सही से चलेगी, बड़ा लैपटॉप का स्क्रीन है तो बड़ा हो जाएगा एंड वेबसाइट तब भी अच्छे से चलेगी। सो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस या इन जनरल स्क्रीन रिस्पॉन्सिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि होस्टिंगर प्रोवाइड करता है। नंबर 4, SEO एंड एनालिटिक्स। जब कभी भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल को पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट किस बारे में है, उसके क्या क्या पेजेस हैं, उस पेजेस पे क्या क्या कंटेंट है, और वो सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक साइंस है, टेक्निकल है, लेकिन ये सारी चीजें होस्टिंगर आपको इनबिल्ट
एक वेबसाइट में प्रोवाइड करता है। तो आपके SEO के जो भी चीजें होंगी विच आर बेसिक विल ऑलरेडी बी कवर्ड जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी। प्लस आपको एनालिटिक्स मिलेंगे, कितने लोग आ रहे हैं, कौन से पेजेस विजिट कर रहे हैं, कितने पेजेस से वो बाउंस कर रहे हैं, मतलब उस पेज से वो एग्जिट कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट छोड़ के चले जा रहे हैं, किस पेज पे वो आए, कितना उन्होंने वक्त बिताया, ये सारा एनालिटिक्स आपको मिलेगा ताकि आप बहुत समझदारी से डिसीजंस ले पाए कि कौन सी वेबसाइट की चीज चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है और शायद बदलनी हो। फाइनल चीज कवर करते हैं एंड वो है वेबसाइट बनाने के बाद आप उस पर ट्रैफिक लाते कैसे हैं। एंड ये एक बड़ा ब्लैक बॉक्स है, बड़ा अनसॉल्व्ड सा मिस्ट्री है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार हम ब्लॉग तो कर रहे हैं लेकिन लोग तो आ ही नहीं रहे, हमने प्रोडक्ट्स तो लिस्ट कर दिए अपने ई कॉमर्स साइट पे पर लोग तो आ ही नहीं रहे, हमने एफिलिएट लिंक तो डाल दिए पर लोग तो आ ही नहीं रहे, हमने सॉफ्टवेयर तो बना दिया पर लोग तो आ ही नहीं रहे। अब व्हाट डू यू डू? अब इसका एक बड़ा सिंपल इफेक्टिव सॉल्यूशन इज पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग से बहुत लोग बहुत डरते हैं एंड आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पेड मार्केटिंग इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव फॉर 3 रीजंस। नंबर एक, पेड मार्केटिंग आप बहुत कम स्केल पे शुरू कर सकते हैं, आप 100 रुपए पर दिन से भी पेड मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको लाखों हजारों करोड़ों रुपए चाहिए टू स्टार्ट, इट्स नॉट लाइक एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी या रेडियो या न्यूज़पेपर। 100 रुपए, मात्र 100 रुपए दिन से आप अपनी एडवर्टाइजिंग शुरू कर सकते हैं। नंबर दो, इट इज मेजरेबल। आप 100 रुपए डालेंगे आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि 100 रुपए के क्या हो। तो जैसे अगर आपने एक D2C वेबसाइट बना दी है जो कि पहला बिजनेस आइडिया था, आपने 100 रुपए खर्च किए, उससे लिंक्स जनरेट हुए, लोग आपकी वेबसाइट पे आए और खरीदा तो आपको पता है कि कितनी सेल हुई, नहीं खरीदा तो आपको पता है कितनी सेल नहीं हुई। सो यू विल इंस्टेंटली नो एट द एंड ऑफ द डे कि उस 100 रुपए का क्या हुआ। तो नेट ऑनलाइन बिजनेसेस 2024 में खोलना बहुत आसान बन चुका है विद सर्विसेज लाइक होस्टिंगर, जहां आपको 4 क्लिक्स के अंदर ही एक पूरी की पूरी वेबसाइट मिलती है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर एवरी नीड दैट यू हैव। You are ready to start any business. हमने 5 बिजनेस के बारे में बात किया, वो बिजनेसेस आप भी शुरू कर सकते हैं, आपको कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1 आइडिया। एंड जब कभी भी आप एक वेबसाइट चूज करेंगे तो वो जो 4 चीजें हमने बोली उनको प्लीज मद्देनजर रखते हुए करिएगा। एंड फाइनली पेड मार्केटिंग से भागिएगा मत, इट्स अ ग्रेट वे फॉर यू टू स्पेंड नॉट अ लॉट ऑफ मनी, मेक श्योर दैट यू हैव डायरेक्ट एंड एंड स्टेट मेजरेबिलिटी एंड डे 1 से ही आप रेवेन्यू या इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। विद दैट आई होप आपका ऑनलाइन बिजनेस इसी साल इसी महीने आज ही के दिन शुरू हो जाए, उस उम्मीद के साथ अंकुर बारिकु साइनिंग ऑफ। मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपने 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।